आई होप एक्सपोजर्स और सब कुछ ठीक है और बाद में अगर ना भी आई ट्राई टू रेगुलाइज इट आज का वीडियो देख के आपको समझ आ रहा होगा कि वीडियो इज बेसिकली फोकस्ड ऑन हाउ टू तो यूज अ फाउंडेशन ब्रश एंड अ पाउडर ब्रश मतलब आपके बेस को करने के लिए कौन दो ब्रशेज की सबसे ज्यादा जरूरत है और वो ब्रश कैसे यूज करते हैं वो आज आप लोग सीखोगे इस वीडियो से तो जो लोग नए हैं मेकअप की दुनिया में उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल होगा और वैसे भी जो लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं मेकअप बट उनको सही सही मेथड नहीं पता उन लोगों के लिए अगर आपको सीखने का मन है तो येस यू कैन डू इट दिस इज नॉट समथिंग लाइक आई हैव लर्न फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और समथिंग बट ये खुद के एक्सपीरियंस से मैंने ये नॉलेज uh, गेन किया है एंड डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स या कॉन्टेंट क्रिएटर्स को देख के आई लर्न दिस तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कुछ नॉलेज इंपार्ट करूँ आप लोगों पर ताकि आप लोगों के लिए भी वो थैंकफुल हो तो चलो देखते हैं कैसे बेस तैयार करते हैं फेस का विद द हेल्प ऑफ ब्रश हाई सॉरी मैं बहुत ज़्यादा जूमड इन हो गई बट आई वॉन्टेड टू शो योर गाइज द जूमड इन वर्जन सो कि आपको अच्छे से दिखाई दे मैं क्या कर रही हूँ तो पहले आप तो अपना हेयर टाई कर दो उसके बाद एक कबोखी ब्रश लीद देते मैंने स्वेस ब्यूटी का लिया है आपको एक कबोखी फाउंडेशन ब्रश लेना है देन इफ़ यू हैव अ सेटिंग स्प्रे देन अप्लाई देट ऑन योर फेस प्राइमर लगाने के बाद ताकि आपका बेस बहुत देर तक टिका रहे है इफ़ यू डोंट हैव दैट जस्ट अप्लाई योर प्राइमर एंड देन योर फाउंडेशन मैंने यहाँ पे नेबरिन का न्यूमी मैट फाउंडेशन लिया है शेड एंड एवरी थिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो डोंट फरगेट टू चेक दैट आउट क्योंकि वो कि ब्रश अच्छा है या आ, या बैड क्वालिटी का है वो आप कैसे डिटरमाइन करोगे बाई सीन दैट द ब्रश इज डेंस और नॉट इफ इट्स डेंस देन ओनली ये प्रोडक्ट होल्ड करने में हेल्प करेगा देन यू टेक सम प्रोडक्ट्स ऑन योर हैंड ऑन

वो फाउंडेशन सेटल नाउन डू इट फास्टर ताकि क्योंकि फाउंडेशन बहुत जल्दी सेटल हो जाता है आपके फेस पे तो अप्लाई करने के बाद तुरंत बाद ही यू ड्रैग इट इन डाउनवर्ड मोशन यू अप्लाई योर ब्रश एंड डोंट फगेट योर नेक नेचुरल फिनिश लाने का एक और बहुत ईजी टिप है इज़ डोल्ट फगेट योर नेक एंड यर्स नेक्स्ट ये मेथड उन लोगों के लिए है जिनको थोड़े दिन हो गए यूजिंग ब्रश एंड दे देव एक्सपर्टाइज लिट इन बट जब आप थोड़ा एक्सपर्टाइज हो जाना होगे मतलब थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा ब्रश यूज़ करने का तब आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ब्रश ब्रश पर ले सकते हो ताकि प्रोडक्ट का मिसयूज़ ना हो बैक ऑफ द हेड में लेने से क्या होता है कुछ प्रोडक्ट आपके हाथों में लग जाएगा तो वो मिस हो गया बट बिगिनिंग के लिए वही ठीक है बिकॉज देन यू विल नो द कंट्रोल कि कितना आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है कितना नहीं करना है जब कुछ दिन हो गया होगा आपका मेकअप ब्रश के साथ यूज़ करके Then only you take the risk of taking the product on your foundation brush directly and apply like this. Again, do not forget to go in downward motion. देखो जब downward motion में जाते हो ना you can see मेरे मुँह में face पे एक भी literally एक भी lines नहीं आया है brush का brush का जो strokes होता है ना वो नहीं आया है and do not forget ever your neck and ears. मेकअप खेखी इसी लिए या अन नेचुरल लगता है बिकॉज वी ऑफन फेट अवन नेक और आर यूज एंड जब आप फोर हिट पर चाहोगे जो भी बचा कुछ प्रोडक्ट आपका रहेगा वो अपने फोर हिट पर यूटिलाइज यु, करो यूस्ट ऑफ यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स ताकि फिनिश बहुत ज़्यादा नेचुरल आए अगर आप फिर भी नए हो यू विल एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स हाउ टू रेक्टिफाई दैट यू कैन डू ओनली वन थिंग यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर एट द एंड ऑफ द फाउंडेशन गेम ताकि बेस पूरा फॉलिस लगे और कोई भी दाग या ब्रश का स्ट्रोक्स विजिबल ना हो चलो आप देखते हैं कैसे कंसीलर है। आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रश इस साइड ऑफ माय फेस मैं दिखा रही हूँ कि आप अपने रिंग फिंगर से भी आप आपका कंसीलर ब्लेंड कर सकते हो इससे बहुत ही नेचुरल फिनिश आता है बिकॉज़ हमारा अंडर आई एरिया बहुत सॉफ्ट होता है एंड इन कंपेयर टू दैट ओनली रिंग फिंगर वाला टच ब्लेंड्स द प्रोडक्ट वेरी नाइसली नाउ इस साइड पर आई आई विल शो यू हाउ टू प्रो इट विद्रश यू टेक्सन प्रोडक्ट ऑन द कंसीलर्ड ब्रश ये भी मैं स्विज ब्यूटी का ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंड देन डिरेक्टली टैप इट अंडर यूर आईज देन अगेन गो इन डाउनवर्ड मोशन ब्रश का कोई भी लाइन्स ना दिखे और जब लीड के ऊपर आप कर रहे हो तब लीड का जो आपका शेप है ना आई लीड का जो शेप है उसी मोशन पे यू ब्लेंडिड सी ये साइड मैंने ब्रश के साथ किया ये साइड मैंने ब्यूटी ब्लेंडर और हाथों के साथ भी किया एंड यू कैन सी बोथ आर लुकिंग एग्जैक्टली सेम राइट देयर इज नो ब्रश स्ट्रोक्स नाथिंग एंड द बेस लुक सो एयर ब्रश एकदम फिल्टर जैसा लग रहा है ना देन द एंड ऑफ द प्रोसीड्यर इज यूजिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर अ कॉम्पैक्ट पाउडर और फाउंडेशन का शेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा डो नॉट फर्गेट टू चेक इट आउट टेक अ पाउडर ब्रश लाइक आई हैव टेकन ऑफ स्विस ब्यूटी टेक द प्रोडक्ट थोड़ा सा और उस डस्ट ऑफ़ करना मत बोलना ताकि किकी की, -की ना आए नहीं प्रोडक्ट डस्ट ऑफ़ करके इसी तरीके से आप ब्लेंड करो सी जब आप पाउडर यूज करोगे ना ये वाला साइड देखो मैंने यूज़ किया है ये मैट लग रहा है ये वाला साइड अभी भी बहुत ऑयली लग रहा है मेकअप से इट बिकम्स वेरी ऑयली सो टेक योर पाउडर ब्रश एंड ईदर यू अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस टू गेव अ मैट फिनिश ऑर इफ़ यूअर कम्बिनेशन स्किन लाइक मी देन ओलरी गो विथ योर टीज ओन ओके लास्ट में यूज हैव इट इफ यू डोंट हैव इट स्किप दिस स्टेप एज वेल सो गाइस आई होप कि ये वाला लुक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है एंड uh, मैंने जान पूछ के ब्लश uh, या कोई भी दूसरा क्रीम प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किया है ताकि आप लोगों को एकदम प्रॉपर रॉ मैं बेस दिखा पाऊँ मेरा आज का वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था आई रियली वॉन्टेड टू शो यू गाइस के ब्रश से हमेशा ब्रश लाइंस नहीं आएगा या ब्रश लाइज ब्रश यूज करने से काफी लोग मेक को ये बात बोलते हैं कि दीदी ब्रश यूज करने से ना ब्रश लाइन्स आता है फेस काफी ज्यादा लगता है कहीं पे अमाउंट कम कहीं पे अमाउंट ज्यादा आता है अमाउंट का मेजरमेंट समझ नहीं आता है ऑन ऑल दिस थिंग्स बट ट्रस्ट मी मैंने जो जो भी बहुत नेचुरल और इजी सिंपल मेथड्स बताया है इफ़ यू गाइस फॉलो दैट ब्रश विल बी हेल्पफुल फॉर यू क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ब्रश ट्राई करनी है और उन्हें ब्रश से अपना मेकअप यू नो लाइक फ्लॉलेस वाला एयर ब्रश वाला फिनिश चाहिए मैंने उतना कुछ हाई फैशनेबल या हाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आज यूज़ नहीं किया आई यूज दिस मे का विच इज़ अ ड्रग स्टोर ब्रांड एंड दिस वन ऑल्सो इन साइट्स का दिस इज़ तो वेरी अफोर्डेबल ये सौ रुपए में आया था मेरे को शायद तो ये दो प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैंने स्विस ब्यूटी का ब्रश यहाँ पे यूज़ किया अगर आप नए हो हाथ पे प्रोडक्ट्स पहले यू नो लाइक ड्रॉप करो हाथ से लेके यू अप्लाई यूज एज होगा ये चीज होगा कि आपका हाथ से लेके यूज करने में हाथ में थोड़ा प्रोडक्ट मिस यूज हो रहा है बट लेट्स जस्ट फेस इट फेस पे क्लाउन बनाने से बेहतर यही है ना ठीक है देन डे डे जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ब्रश पे लो एंड देन यू अप्लाई इट ना तो अप्लाई इट इन दिस मोशन एकदम ब्यूटी ब्लेंडर मोशन सर्क्यूलर मोशन एंड इमीडिएटली ड्रैग ड्रैगे डाउन विथ योर फाउंडेशन ब्रश ड्रैग इट डाउन सो दैट यू डोंट लेट इट सेटल फाउंडेशन में बहुत इजीली सेटल हो जाता है स्किन पे ऐसे बैठ जाता है सेटल। वो इजीली आप ऐसे डाउनवर्ड पोजीशन पे जब आप करोगे न, वो आपके के के साथ नोट आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो प्रोडक्टिव हो मेरे लास्ट वीडियो पे यू गाइज गेव यूज लव मैं देख के शौक होंगी की मेरा विडियो भी लॉन्ग वीडियो भी, भी पांच सौ के ऊपर जा सकता है एस ए व्यू

एंड प्लीज यारेजिटेट ना करके कमेंट बॉक्स में डाल दो आपका जो भी सजेशन है पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स ओपिनियंस ऑल आर वेलकम्ड बाई मी आप लोगों की वजह से हम लोग है तो दैट्स वाई प्लीज टू लेट वी नो आप लोगों का कीमती ओपिनियंस एंड आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट फॉर यू गाइज सो यार विथ दैट नोट आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे एंड हेल्पफुल हो बाद में सो यस सी यू इन माई नेक्स्ट यूट्यूब टिल देन माई बाई आई लव यू गाइज